तो ये आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूव करनी है। जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी तरह से अगर हम दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल दिखा दें, या फिर किसी रो पर्टिकुलर रो की सारी एंट्री या पर्टिकुलर कॉलम की सारी एंट्री अगर जीरो दिखा देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो चलिए आपको एक हम टास्क देते हैं, ठीक है, इसे LHS कंसीडर कर लेते हैं। और मुझे RHS तो पता ही है, जीरो प्रूफ करना है। आपको हम टास्क देते हैं कि अगर आप इस डिटरमिनेंट को आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ताकि आपका यहाँ पे क्या आ जाए, जीरो 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 आ जाए। कौन सा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे? जब तक हम ये बाकी एंट्री फिलअप कर रहे हैं आप सोचिए। तो आई थिंक आप सोच चुके होंगे, ठीक है। देखिए ये चीज है क्या, ये है ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए बी है, और फिर क्या है आपका ए सी है, यहाँ पे क्या है आपका बी सी प्लस ए बी है, और ये क्या है ए सी प्लस बी सी है। किस चीज़ की कमी है यहाँ पे? ए बी की कमी है। अगर यहाँ ऐड कर दें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, यहाँ सी ए की ला के ऐड कर दें ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, और यहाँ बी सी ला के ऐड कर दें ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। फिर हमें हर जगह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो आ जाएगा, ठीक है, और वहां से कॉमन कर लेंगे तो हमारा वन वन यहाँ वन 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 यहाँ दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। ये भी एक तरीका हो सकता था प्रूफ करने का, लेकिन ये तो हमने दिया ही नहीं है। हमने कहा है कि सारी एंट्री जीरो लाइए, कुछ ऐसा एक ही बार में सोचिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग कुछ ऐसा कर लें, सी थ्री कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर दें सारी एंट्री जीरो में। तो देखिए क्या करें, सी थ्री में हम सी टू को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, सारी एंट्री ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। और इसमें से हम सी वन को सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन सी वन में क्या मल्टीप्लाई कर दें, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक है। तो ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम जब सब्ट्रैक्ट होगी तो ये एंट्री सारी की सारी क्या आ जाएंगी, जीरो। इसके बाद अगर किसी भी सी थ्री चूँकि सारी एंट्री जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, विच इज RHS।